मैं हूँ रश्मि और फिर से स्वागत है आपका मेरे ट्रैवल ब्लॉग पर। आज के ब्लॉग में मैं आपको माता वैष्णो देवी की यात्रा दिखाने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में मैं आपको माता वैष्णो देवी की यात्रा की पूरी जानकारी भी देने वाली हूँ। अगर आप वैष्णो देवी की यात्रा में नहीं गए हैं तो इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और अगर आप पहले यात्रा कर चुके हैं तो इस वीडियो से आपको अपडेटेड जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये कटरा रेलवे स्टेशन का खूबसूरत व्यू है। चारों तरफ पहाड़ों के बीच ये बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे है। अब जब भी कटरा ट्रेन से आओगे तो ये खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा और आपको ये हेलीकॉप्टर हर वक्त देखने को मिलेगा जो भवन की तरफ जाता है। अगर आप हेलीकॉप्टर से माता वैष्णो देवी का दर्शन का प्लान बनाया है तो ये हेलीकॉप्टर आपको कटरा रेलवे स्टेशन से ही मिलेगा। ये हम लोग कटरा रेलवे स्टेशन से बाहर आ रहे हैं और ये मैं बाहर से कटरा रेलवे स्टेशन का व्यू दिखा रही हूँ। आज हम लोगों ने 10 बजे का यात्रा का प्लान बनाया है तो फिर होटल में हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। होटल के बाहर हमें ऑटो मिल गया है मुख्य द्वार के पास पहुंचाने के लिए। मुझे यहाँ पे एक बात अच्छी लगी कि यहाँ पे सब चीज का फिक्स है प्राइस। ऑटो का भी किराया फिक्स है तो आपको कोई बार्गेनिंग करने का झंझट नहीं होगा। ये ऑटो से ही आप शानदार व्यू देख सकते हो। यहाँ से बांग गंगा 1 किलोमीटर है जिसको हम लोग मुख्य द्वार भी बोलते हैं। हम लोगों ने यात्रा पर्ची ऑनलाइन ही ले लिया था और जिन्होंने ऑनलाइन नहीं लिया है तो उन्हें मुख्य द्वार में ही यात्रा पर्ची मिल जाएगा। एक खास बात बता दूं आपको, ऑटो है ना वो मुख्य द्वार तक जाता है और अगर आप पैदल मुख्य द्वार तक जा रहे हो तो लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। आप साइड में देख रहे होंगे बहुत सारे लोग पैदल मुख्य द्वार तक जा रहे हैं। सुबह का टाइम है तो आपको थोड़ा सा भीड़ ज्यादा देखने को मिल रहा होगा। अब आप देख सकते हो यहाँ से दुकानें शुरू हो गई है। यहाँ से यात्रा के लिए बहुत उपयोगी सामान आपको मिल जाएगा जैसे कि डंडा यात्रा के लिए और चुन्नी चढ़ावे के लिए। यहाँ से मुख्य द्वार तक बहुत सारी दुकानें हैं। अब यहाँ पे आप साइड में देख रहे होंगे लाइन, लंबी सी लाइन लग रही है जो जिसके बारे में मैं आपको पहले बताई थी और सारे ऑटो वाले आगे निकल रहे हैं मुख्य द्वार के लिए। तो अगर आप ऑटो से जाएंगे मुख्य द्वार तक तो आप लंबी लाइन से बच सकते हो। और ये हम लोग मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने पहुंच गए। छोटे बच्चों के लिए प्रेम यहीं से मिल जाता है जिसका प्राइस फिक्स होता है। हमने सानवी के लिए प्रेम यहीं से ले लिया। प्रेम, पिट्ठू, घोड़ा सवारी, पालकी सबका पर्ची आपको मुख्य द्वार में ही मिलेगा जिसका प्राइस फिक्स होता है। और ये आप मुख्य द्वार का ऑसम व्यू देख रहे हो। फरवरी में नहीं होगा पानी, फरवरी में बर्फ हो जाती है ना, पानी सूख जाता है, हो जाता है, शिवलिंग हो जाती है। लेडीज की भीड़ ज्यादा नहीं थी इसीलिए हमें एंट्री जल्दी मिल गई। मेरे हस्बैंड अभी लाइन में ही लगे हुए हैं। है
यहीं पे आपका सिक्योरिटी चेक होगा, आप यहाँ से प्रतिबंधित सामान नहीं ले जा सकते हो। मोबाइल फोन ले जाना तो अलाउड है, पर क्या फायदा, पूरे जम्मू में प्रीपेड मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता है, तो आप बस मोबाइल का इस्तेमाल अब फोटो खींचने में और वीडियो बनाने में ही कर सकते हो। हमारी यात्रा यहाँ से शुरू हो गई है। जिन लोगों ने मुख द्वार से पर्ची नहीं लिया है, घोड़े का, प्रेम का, पालकी का, और उनको अब जरूरत महसूस हो रही है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो आप पूरे रास्ते में कहीं भी घोड़ा, प्रेम, पिट्ठू कर सकते हो। पूरे रास्ते में पर्ची हर जगह मिल जाती है। कॉपीराइट की वजह से मैंने यहाँ पे साउंड म्यूट कर दिया है। पूरा रास्ता आपको भक्ति संगीत सुनने को मिलेगा। जहाँ जहाँ हमारी वीडियो में भक्ति संगीत है, मैंने उस जगह म्यूट कर दिया है। और ये बांग गंगा, यहाँ से बहुत यात्री स्नान करके अपनी यात्रा आरंभ करते हैं, जिसको स्नान घाट भी कहते हैं। सुबह सुबह यहाँ पे बहुत रश होता है। बांग गंगा से भवन की दूरी 14 किलोमीटर है, और अगर आप पैदल जा रहे हो तो 5 से 6 घंटे तो जरूर लग जाएंगे। ये देखो, रास्ते में आप फोटो खिंचा सकते हो, बहुत अच्छा अच्छा स्टोर है, और अपने मोदी जी के साथ भी फोटो खिंचा सकते हो। रास्ते भर आपको बहुत सारे खाने पीने की दुकानें मिलेगी, तो इसीलिए आप खाने पीने की टेंशन आप रास्ता भर ना ले। और ये सानवी मजे से प्रेम में आराम करते हुए जा रही है। अर्धकुमारी तक आपको घोड़े की लीद और घोड़ों से परेशानी होते रहेगी। अर्धकुमारी के बाद घोड़ों का रास्ता अलग हो जाता है और पैदल जाने वालों का रास्ता अलग हो जाता है। अर्धकुमारी के बाद आपको रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा मिलेगा। जगह जगह आपको छोटे छोटे मंदिर भी मिलेंगे, जहाँ पे आप रुक के आराम भी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं। आपको रास्ते में केमिस्ट की दुकान भी मिलेगी। एक बात मैं आपको बता दूं कि वैष्णो देवी दर्शन के लिए आपको आरटीपीसीआर टेस्ट या डबल डोज का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो ये सर्टिफिकेट आपको रेलवे स्टेशन में ही चेक होगा। रेलवे स्टेशन पे तो लंबी लाइन लगी हुई रहती है ये चेक कराने के लिए। हम लोग अब यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। आप साइड में घोड़ों से यात्रा करते लोगों को देख सकते हो। अभी थोड़ी गर्मी हो रही है, इसलिए मैंने सानवी का एक जैकेट उतार दिया। एनर्जी के लिए गर्मी हम लोग अर्धकुमारी अब पहुंच गए हैं, और यहां से भवन अब बस 5 किलोमीटर बचे। मैं आपको फिर से याद दिला देती हूं, यहां से घोड़ों की रास्ता अलग हो जाता है, तो आगे पूरे रास्ते में आपको घोड़ा देखने को नहीं मिलेगा। यहां से बैटरी कार मिलता है, जिसका टिकट 354 रुपये है। हालांकि बैटरी कार तो सिर्फ सीनियर सिटीजन और बच्चों के लिए है, बट इसका टिकट मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन सीनियर सिटीजन और बच्चों का रूल्स यहाँ पे कोई नहीं मानता है, और कोई भी बस टिकट लेके बैटरी कार में जाते हैं। आप ये लाइन देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि ये बैटरी कार के लिए लाइन लगी है, लेकिन ये बैटरी कार के टिकट के लिए लाइन नहीं लगी हुई है। जिन्होंने ऑनलाइन टिकट ले लिया है, वो टिकट उसके लिए ये लाइन लगी हुई है। अगर आपने ऑनलाइन टिकट ले भी लिया है, फिर भी आपको यहाँ पे लंबी लाइन लगना पड़ेगा बैटरी कार टिकट के लिए। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ये बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट है। ऑनलाइन टिकट लेने के बाद भी यात्रियों को बहुत परेशानी होती है, उनको फिर से घंटों लाइन लगना पड़ता है एक्चुअल टिकट लेने के लिए। मैं आपको सत्या भोजनालय दिखा रही हूँ। इसमें सभी प्रकार के खाना बहुत ही सस्ते दर पे मिल जाता है। पूरे रास्ते में आपको ऐसे ही भोजनालय देखने को मिलेंगे।
जो कि वैष्णो देवी बोर्ड की तरफ से होता है। और ये मैं आपको बैटरी कार दिखा रही हूँ जो कि भवन से अर्थकुमारी तक आता है। फोटोग्राफी के लिए ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ से ऑशन व्यू आ रहा है। अब मेरे पीछे देखो, बहुत ऑशन व्यू है। ये जगह याद रखिएगा जब भी वैष्णो देवी आइएगा। खिली खिली धूप है अभी। यहाँ से व्यू देखो कितना अच्छा, पूरा शहर दिख रहा है। देखो चढ़ते नहीं है, बच्चे भी चढ़ते हैं। थोड़ी दूर आगे ये कैफे है जो कि वैष्णो देवी बोर्ड के तरफ से है, जहाँ पे आपको टी कॉफ़ी या चिप्स स्नैक्स सब मिल जाएंगे। और 5 किलोमीटर बचा हुआ है, आपकी पूरी फिटनेस चेक हो जाएगी। मेरे पीछे देखो, आगे सबकी बैंड बजी हुई है। बस जय माता दी बोलो और चलते रहो। जय माता दी। क्या कर रही थी सानवी? बेटा थोड़ा सा भी तो चल लो, तुम एक कदम भी नहीं चढ़ी हो। चलो कदम चलो बोलो। जय माता दी बोलो। कदम की तुम दब चलो बोलो। जय माता दी। मैं सबसे पीछे ये फिर से बोलो। इधर 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 देख के जय माता दी। और ये मैं साकेत भोजनालय दिखा रही हूँ, ये भी वैष्णो देवी बोर्ड की तरफ से है। इन भोजनालय में बहुत भीड़ होती है क्योंकि यहाँ पर 45 रुपए प्लेट खाना मिलता है। चाहे आप कढ़ी चावल ले लो, राजमा चावल ले लो, दाल चावल ले लो। और ये मैं आपको पालकी दिखा रही हूँ। हमारे जो पिट्ठू थे वो तो बहुत फिट थे, वो तो कभी थकते ही नहीं थे। उनकी वजह से हम लोग भी जल्दी जल्दी जा चढ़ाई कर रहे थे। हाँ, तो मैं पालकी के बारे में बता रही थी। ये 4 लोग एक यात्री को लेके जाते हैं। जगह जगह आपको मुफ्त आरओ वाटर मिलेगा। ये जगह जगह प्रीपेड बूथ होता है जहाँ पे आप पिट्ठू और पालकी का पर्ची कटा सकते हो। और बंदरों से सावधान रहिएगा रास्ते में, उनको खाने का चीज मत दीजिएगा। रास्ते भर यात्रियों को उत्साह बढ़ाने के लिए ढोल नगाड़े बजते रहते हैं। ये देखो, कुछ लोग बंदर को खाना दे रहे हैं, उनका तो मोबाइल भी छीन के भाग जाता है।
अब हम लोग भवन के नजदीक पहुंच गए हैं, यहाँ से भवन दिखने लगा है। उम्मीद है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दिया होगा। और फाइनली हम लोग अब भवन के पास पहुंच गए। पिट्ठू और प्रेम का सफर बस यहीं तक होता है। यहाँ से भी अभी माता का मंदिर बहुत दूर है, भीड़ होने की वजह से हम लोग क्लॉक रूम में सामान नहीं रखवाए। क्लॉक रूम में सामान रखवाने में बहुत समय लगता, इसीलिए हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग बारी बारी से माता का दर्शन करेंगे। पहले मेरे हस्बैंड और शानवी दर्शन के लिए जाएंगे, फिर मैं बाद में जाऊंगी। ये हम लोग मंदिर के पास बिल्कुल सामने पहुंच गए। जब तक मेरे हस्बैंड और शानवी दर्शन करके आए तो आरती का समय हो गया था। वैसे तो आरती का समय 6 से 8 होता है, बट गेट उन्होंने 4:30 के बाद ही बंद कर देते हैं, तो फिर बहुत भीड़ जमा हो जाती है और इस भीड़ में मैं भी फंस गई, तो मुझे बहुत देर तक वेट करना पड़ा। कुछ लोग यहाँ पे भी नहा के दर्शन के लिए जाते हैं। 8 बजे के बाद तो लाइन बहुत बड़ी हो जाती है, लगभग 2 किलोमीटर लाइन लगी हुई रहती है। अभी एंट्री गेट बंद कर दिया गया है क्योंकि आरती का टाइम हो गया है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। मैं आपको सनसेट का व्यू दिखा रही हूँ। यहाँ से सनसेट देखो कितना सुंदर लग रहा है। और ये माता रानी का उधर है मंदिर। जय माता दी। लकली मुझे एक वीआईपी पास मिल गया है, तो मैं गेट नंबर 5 पे हूँ, जो कि वीआईपी एंट्री के लिए है। मेन लाइन में इतनी भीड़ है कि उसमें तो 12 बजे रात में नंबर आता, यहाँ तो मेरा 1 घंटे में ही नंबर आ गया था वीआईपी पास की वजह से। यहाँ के बाद से तो वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं आपको अपने पोस्टर के द्वारा माता का दर्शन करा देती हूँ। जय माता दी, जय वैष्णो देवी। एक खास बात मैं आपको बता दूं कि अगर दिन में आप 4:30 से पहले दर्शन कर लो तो बहुत जल्दी दर्शन हो जाएगा, नहीं तो रात में आरती के बाद बहुत देर हो जाएगी। अच्छे से दर्शन हो गए, अब हम लोग वापस जा रहे हैं। जय माता दी। मेरे तो दर्शन हो गए हैं, मैं आपको साइड में ये लंबी लाइन दिखा रही हूँ। रात के 9:15 बज गए हैं, अब मुझे नीचे भी जाना है क्योंकि अगले दिन सुबह 8:30 मेरी ट्रेन है, तो मुझे किसी हाल में कटरा अभी पहुंचना है। अगर मैं पैदल उतरूंगी तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, तो हम लोगों ने उतरने के लिए घोड़ा कर लिए, जो कि बहुत मुश्किल से मिला। ये देख रहे हो साइड में अभी तक लंबी लाइन है, ये बहुत दूर तक लंबी लाइन है। तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ, अगर आप ये लंबी लाइन अवॉइड करना चाहते हैं तो आरती से पहले पहुँचिए। रात में यहाँ पे काफ़ी ठंड बढ़ जाती है, तो अपने पास गर्म कपड़े ज़रूर रख लें। रात के 10 बजे के बाद आपको भवन से न पालकी मिलेगा, न बैटरी कार मिलेगा और न घोड़ा मिलेगा। हमें तो बहुत मुश्किल से घोड़ा मिला, तो फिर हम लोग नीचे कटरा के लिए उतरे। जितेंद्र कुमार शर्मा।
वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय माता दी। मान लो पहले ठीक है, कंफर्टेबल हो। हाँ।